आज की हमारा मूवी है नताशा। ये एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम 16 साल के लड़के को देखते हैं, जो रात में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अब यहाँ माँ के एक लड़की के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की चली जाती है। बाद में माँ भी अपने घर चला जाता है और रोज माँ घर पर एडल्ट वीडियो देखता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है तो उसकी माँ उसे लेने आती है। वो माँ से कहती है कि तुम्हारे अंकल और गेना आ रहे हैं। उसके बाद माँ के अंकल और गेना माँ के घर आते हैं। गेना एक रशियन थी। जब गेना सभी को खाना परोस रही थी, तब माँ गेना को घूरने लगता है। उसके बाद माँ की बहन माँ से कहने लगती है कि हर कोई उसे कैसे देख रहा था। गेना की ड्रेस की वजह से ही सब उसे ऐसा देख रहे थे। और बाद में वहाँ उनकी माँ आती है और वो उन्हें बताती है कि शायद ये रूसी फैशन होगा और हमें किसी को उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए। हमें पता चलता है कि गेना पहले से ही शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी है जिसका नाम नताशा है। गेना उसे लेने रूस जाती है। जब वो लौटती है तो हर कोई उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहां माँ पहली बार नताशा से मिलता है जो 14 साल की है। कुछ दिनों के बाद माँ के अंकल और गेना की शादी हो गई और पार्टी में सभी लोग खुशी से डिनर कर रहे थे। लेकिन ये नताशा को इधर बोर हो रही थी, इसलिए माँ की माँ ने माँ से कहा कि नताशा को यहाँ बोर हो रही है तो उसे अपना घर दिखाओ। माँ नताशा को अपना घर और साथ ही अपना कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। फिर नताशा माँ से पूछती है कि आप यहाँ क्या करते हैं। तो माँ कहते हैं कि मैं अपने कमरे में सिर्फ टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है कि तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ मेकआउट नहीं किया है क्या। ये सुनकर माँ चौंक जाता है और वो कहता है कि आप ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं, तुम तो अभी 14 साल की हो और तुझे ऐसी बातें करने में कोई शर्म नहीं लगती। तब नताशा कहती है कि मैंने अब तक 100 से ज्यादा लड़कों के साथ किया हूँ और तुम चाहो तो वो सब तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर माँ कहते हैं कि मेरे चाचा ने तुम्हारी माँ से शादी की है और इस वजह से हम चचेरे भाई हैं। ये सुनकर नताशा माँ से कहती है कि मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ और वो एक घटिया लेडी है और उसका कई आदमियों के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने खुद ये सब देखा हूँ। लेकिन माँ इसके बाद चुप हो जाता है और माँ की माँ माँ से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसकी देखभाल करनी है और तुम्हें उसके साथ कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करना है क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। ये माँ अपनी माँ की बातें सुन रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि नताशा किस तरह की लड़की है। अगले दिन माँ नताशा के घर जाता है, जहाँ गेना उसे बताता है कि नताशा हमेशा अकेले रहना पसंद करती है और वो अलग ही तरह की लड़की है। अगर वो कभी माँ से नाराज हो जाए तो माँ को बुरा ना लगे। इसके बाद नताशा की माँ ने उन्हें बुलाती है, लेकिन उनके बीच कुछ लड़ाई चल रही थी तो इस बात से नताशा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। जब वो चली गई तो माँ भी उसका पीछा करता है, जहाँ वो नताशा से पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ। तब नताशा बताती है कि वो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखना चाहती है और उसे यहाँ लाकर उसने नताशा की जिंदगी और भी बर्बाद कर दी है। इसके बाद माँ उसे अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रूफस से मिलती है। लेकिन उसके बाद नताशा हमेशा रूफस के बारे में पूछने लगती है। माँ उसे बताता है कि उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया है और रूफस अकेला रहता है, जिसके बाद दोनों ने एक साथ लंच करते हैं और काफी समय बिताने के बाद माँ नताशा को घर पर छोड़ देता है और नताशा उसे जाते समय बताती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। और अगले दिन जब वो माँ की पढ़ाई कर रहा था तो नताशा उससे मिलने आती है, जहाँ वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर साइकिल लेकर बाहर जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि माँ अपने दोस्तों को गंजा बेचता है, जिसे नताशा भी देखती है और वो माँ से पूछती है कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। फिर अगले दिन जब नताशा माँ के घर आती है तो माँ उसे गंजा देता है। इसके बाद नताशा माँ की परमिशन लेती है और उसका लैपटॉप का इस्तेमाल करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप चालू करती है वो उसमें एडल्ट वीडियो देखती है, जिसे माँ यूं ही छोड़ गया था। और नताशा ये देखकर खुशी लेती है और लैपटॉप को माँ के पास ले जाती है, आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो माँ को अपनी न्यूड फोटोज दिखाने लगती है और वो भी कहती है, वो डर्टी वीडियो भी बनाती है और वो माँ को सेड्यूस करने लगती है और उसके कपड़े उतारने लगती है और माँ भी खुद को रोक नहीं पाता है। इसके बाद नताशा माँ को अपने बारे में बताती है कि उसने ये सब 12 साल की उम्र में ही करना शुरू कर दिया था और उसकी माँ को भी इसके बारे में पता चला था और वो ये सब सिर्फ पैसे के लिए करती थी और उसकी माँ उसके पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। उसके बाद दोनों रोज मिलने लगे और इसी बीच माँ को नताशा से प्यार हो गया है और वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरे शहर की रोमिंग करते हैं। कुछ दिनों के बाद माँ के चाचा और गेना अब बाहर जाते हैं, इसलिए नताशा माँ के घर पर रह रही थी। दोनों रात में चैट कर रही थी और फिर गुड नाइट कहकर सो गई थी।
लेकिन थोड़ी देर बाद नताशा माँ के कमरे में आती है और कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ नताशा माँ से कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद है। वो कहती है काश काश ये पूरी जिंदगी जी पाती तो। माँ उसे बताता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। इसके बाद नताशा माँ से कहती है कि मेरी माँ तुम्हारे चाचा को धोखा दे रही है और उसका अभी भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि ये बात मैंने तुम्हारे चाचा को बताई है, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया और कुछ दिनों बाद मुझे झूठा समझने लगा। और बाद में हम देखते हैं कि उसका चाचा वापस आते हैं और वो नताशा को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा स्पष्ट रूप से मना कर देती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। तो उसकी माँ उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो, और साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम माँ के साथ क्या करते हो। और इस पर नताशा को बहुत गुस्सा आती है और वो गेना से लड़ने लगती है। फिर माँ का पिता उन्हें रोक देता है और नताशा को न चाहते हुए भी गेना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन माँ नताशा के घर जाता है, जहाँ वो गेना को सॉरी कहता है। तो गेना कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो बहुत बिगड़ेल लड़की है, उसने कई बड़े आदमियों के साथ संबंध बना लिए हैं, ये कहकर कि तुम बच्चे हो। और गेना ने माँ को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उस रात नताशा से मिलने भी नहीं देती है। नताशा अपना सारा सामान लेकर माँ के घर आ जाती है और माँ से कहती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है, और वो उससे पूछती है कि क्या वो बहुत आगे आना चाहेगी, और वो कहती है कि मेरी माँ और तुम्हारे चाचा का तलाक हो गया है और ये सब मेरी वजह से है, क्योंकि मैं तुम्हारे चाचा के साथ सोया था ताकि उनका रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद करे। उस रात नताशा माँ के घर में रुकी थी, जब सुबह हुई तो माँ ने उसे कुछ पैसे देता है जो उसने कुछ बचाया था ताकि उसे कुछ मदद मिल सके, और नताशा अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर माँ का परिवार ये सोचकर परेशान था कि उनके चाचा ने ये शादी क्यों तोड़ी, क्योंकि सच्चाई कोई नहीं जानता था। और इधर माँ का दोस्त रूफस उसे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया था। अभी कुछ दिन बाद की बात है, जब माँ रूफस हाउस जाता है, वो देखता है कि नताशा वहाँ थी। रूफस उसे बताता है कि मैं तुम्हें वही बात बताने के लिए बुला रहा था, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सिर्फ रहेगी। तभी नताशा वहाँ आ जाती है और वो माँ को गुस्से से देखने लगती है। माँ भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को वो अब तक अपना प्यार समझ रहा था, वो उसे ऐसे ही धोखा देगा, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। और यहीं पर फिल्म का एंड होता है। तो ये थी नताशा मूवी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।